आजकल लोग दिल्ली मेट्रो में जाने से भी डरने लगे हैं क्योंकि ना जाने कब कौन किसके कपड़े उतार दे, कुछ पता नहीं। और ऐसी कपड़े उतारने वाली लड़की ने मचा रखी है दिल्ली मेट्रो में गंद। नहीं नहीं, मैं उर्फी जावेद के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस कूड़े। मुझे आज तक समझ में नहीं आया लोग सरकार की बातें क्यों नहीं मानते। उन्होंने बड़े बड़े नोटिस बोर्ड में लिख रखा है यहाँ पर कचरा ना फैलाए, लेकिन फिर भी ये गंदगी कैसे आ जाती है आई डोंट नो। Who the hell are you to comment on my clothes? Huh? Who are you? शक्ल देखिए अपनी। ओ ताई बस कर दे, जितना गैप तुम्हारे दांतों के बीच में ना उतना तो भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में भी गैप नहीं है। आई बड़ी शक्ल की बातें करने वाली, और लोग तेरे कपड़ों के बारे में बोल रहे, थोपड़े के बारे में नहीं। और रही बात शक्ल की, मैं तो अपनी शक्ल दिन में 20-25 बार देखता हूँ, मुझे लगता है तेरे घर में शीशों की कमी, तभी क्लाउड के लिए ये सारी हरकतें कर रही है। तो जिन भोले भाले मानुषों को अभी भी नहीं पता चल रहा क्या कहानी चल रही, मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कहानी शुरू हुई दिल्ली मेट्रो से, जहाँ पर एक उर्फी से इंस्पायर्ड क्लाउड की बुकी कन्या ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। और जब लोगों ने उसकी हरकत को नोटिस किया और एक दो जनों ने उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, तब से ये वाली क्लिप हमारे मीम पेजेस पे इतनी ज्यादा वायरल हो रही है जितनी तो अंजलि अरोड़ा डीएसपी का पेपर देने के बाद में भी नहीं हुई थी। और अब जैसा कि तुम्हें पता है, नंगी लड़की देखी नहीं नीले बालों वाली फेमिनिस्ट दीदियां उनके सपोर्ट में उतर ही जाती, वैसे ही एक पेज ने ये सेम क्लिप अपलोड करते हुए अपना ओपिनियन दिया है। ए मैन पोस्टेड ए वीडियो ऑफ वुमन सिटिंग इन दिल्ली मेट्रो बिकॉज ही हैड अ प्रॉब्लम विद हर क्लोथ्स। ही वाज ऑफेंडेड बाय व्हाट वुमन वेयर एंड हाउ दे सिट इन द मेट्रो, सो ही पोस्टेड देयर वीडियो विदाउट कंसेंट। हु आस्क्ड फॉर हिज ओपिनियन। ये वो लड़की है जिनको मैकडॉनल्ड्स में अगर केचप फ्री ना मिले तो 40,000 वर्ड वाला पैराग्राफ ट्वीट कर देती है, और यहाँ पर बोल रही हु आस्क्ड फॉर हिज ओपिनियन। तुम किसी का ओपिनियन नहीं सुनोगी, सारे तो तुम्हारे ओपिनियन सुनने के लिए बैठे है ना। और यारो एक बात तुम्हें भी अच्छे से पता है, यही सेम चीज अगर कोई लड़का करता, यानी कि दिल्ली मेट्रो में बनियान और अंडरवियर में घूम रहा होता, तो यही सेम फेमिनिस्ट दीदियां उसको मोलेस्टर साबित करके जेल में डलवा देती। और मैं भी क्या बोल रहा हूँ, करवा देती, करवा चुकी। एक साल पहले की बात है, बिहार का कोई एमएलए था जो कि ट्रेन में अंडरगारमेंट्स में था, और उसके बाद में उसने प्रॉपर रीजन भी बताया था कि उसका पेट खराब था और भागम दौड़ी के कारण वो उन्हीं कपड़ों में चल दिया। ट्रेन के दौरान ही, सफर के दौरान ही आरोप लगाया कि वो आपत्तिजनक तरीके से लोगों के सामने पेश आए महिलाएं होने के बावजूद। यहाँ आते चढ़ते लैट्रिन लग गया, हम कुर्ता पैजामा खोले, सब कुछ खोल के और गमछी धाना पर लेके वो पहन नहीं सके, लगा लैट्रिन हो जाए। देखो यहाँ पे मैं उस पॉलिटिशियन को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन जब यही सेम चीज कोई लड़की करती है तो ये नीले बालों वाली फेमिनिस्ट दीदी आके उनको डिफेंड करने लगती है। और इनके लॉजिक कुछ इस प्रकार होते हैं, इट्स हर चॉइस, वो जो पहनना चाहिए वो पहनेगी, तुम्हारी सोच छोटी है। और भाइयों नीले बालों वालियों का बेहुदा लॉजिक यहीं पे खत्म नहीं होता। ये दीदी इन इंटरनेट की सस्ती क्लाउड चेसर्स को रिलीजियस मॉन्क से कंपेयर करती कि वो तो नंगे घूम, बहन पहली बात तो वो मेट्रो में आके नहीं घूमते, और दूसरी बात तू जिनसे उनको कंपेयर कर रही है ना वो संन्यास लेके बैठे, उनको मोह माया से कोई मतलब नहीं, और ये 4 फॉलोअर्स के लिए कपड़े उतार रही है। फर्क देख ले, पीपल इन इंडिया हैव नो इशू विद अ रिलीजियस न्यूड मैन बट हैव इशू विद अ स्कैंटली ड्रेस्ड इंडिपेंडेंट लेडी, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू गेट रिड ऑफ देयर हिपोक्रेसी। देखो अभिलाषा जी, मैं चाहूँ तो 1000 लॉजिकल आंसर दे सकता हूँ, बट मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये जो अपने यूजर नेम और हैंडल में लिबरल और एथिस्ट लगाते हैं ना, मैं उनको सीरियस नहीं लेता। और हिपोक्रेसी जैसे वर्ड तो वैसे भी तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते, क्योंकि तुम तो आई भी इंटरनेट पे क्लाउड चेस करने के लिए, और हाँ जब बात क्लाउड चेस करने गए तो हमारी ये दीदी पीछे थोड़ी रहेगी। इनका भी मैंने एक आर्टिकल देखा जहाँ पर इन्होंने इंटरव्यू दिया था, वो ही आगे देखते हैं। इस वाले पूरे इंटरव्यू का कंक्लूजन ये था कि दीदी वहाँ पे बोल रही कि मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड अगर मैं ऐसे कपड़े पहन रही हूँ इट्स माय फ्रीडम। तो देख बहन, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद इसलिए नहीं करवाया था कि लोग मेट्रो में जाके नंगे घूम सके। और ये जो चीजें तू बोल रही ना अपने इंटरव्यू में कि मैं ये सारी चीजें फेमस होने के लिए नहीं कर रही, अच्छा तो अपने इंस्टा हैंडल पे एक ही पोस्ट को 10 बार क्यों डाल रखी है? और चल मान लिया तू फेमस होने के लिए नहीं कर रही, बट बाबू पहले तो आप ऐसे कपड़े पहन के वीडियो बना देते। स्वामी जी बता रहे थे कृष्णा और रुक्मणी का संवाद चल रहा था। रुक्मणी ने कृष्णा से कहा, प्यार तो हमने भी तुमसे किया था, फिर भी ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी पत्नी ना होकर तुम्हारी प्रेयसी होते। आहा क्या उच्च विचार है, लेकिन इनको पता चल गया इन उच्च विचारों से व्यूज नहीं आएंगे और जल्दी उर्फी की राह पर। ये जो तुम अपनी रील्स में फोटो डाल रहे हो ना, ये वो वाली फोटो है जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बोलती बाबू एक बार देख डिलीट कर देना, और वो सारी चीजें तू पब्लिकली अपलोड कर रही है। मैं फेमस होने के लिए नहीं कर रही। इस आर्टिकल में हमारी रिदम जी ने बोला कि वो उर्फी जावेद के बारे में जानती नहीं, उसके फ्रेंड्स ने बताए। अच्छा तू अपनी मम्मी के बारे में नहीं जानती, वैसे जानती तू अपने बाप के बारे में भी नहीं थी, लेकिन मुझे एक बात बता तेरे पास फ्रेंड्स कैसे आए? सच बता, 4-5 थर की लौंडे ना जो तेरे डीएम में पड़े रहते हैं उनको फ्रेंड्स नहीं बोला जाता कस्टमर। और इस वाले मेट्रो के बाद में दिल्ली मेट्रो ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बोला कि दिल्ली मेट्रो में तमीज से ट्रेवल कर लो, इसको सोनागाछी मत बनाओ। और वैसे रिदम जी सारे लोग तुम्हें ज्ञान दे रहे थे, एक बार मैं भी बोल देता हूँ कहीं आनंद विहार मत चले जाना ये कपड़े पहन के।
देखो ये इंटरनेट है और यहाँ पर लड़कियां ज्यादातर फेमस होने के लिए आती, लड़के क्या लड़के भी आते हैं। जो लोग बोलते हैं मैं फेमस होने के लिए नहीं करता वही सबसे बड़े झूठे और मकार होते हैं। और इस लड़की के बारे में मैं तुम्हें एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ, अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो रखा होगा ना तो वहाँ पे ये बिकनी में जाके नाचने लगेगी, कहीं जो मर रहा है उसको टेंशन ना मिल जाए, मुझे मिलनी चाहिए। देखो विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे कुछ लड़कियां इंटरनेट पे बद्दी से बद्दी हरकतें कर रही है और जब इनकी क्लिप वगैरह पब्लिकली पोस्ट कर दी जाती है तो इनको डिफेंड करने वाली लड़कियां बोलती इनके बिना परमिशन के वीडियो डाल दी, इनके कंसेंट के बिना। इसका इंस्टाग्राम पेज देख ले बहन। देखो कमेंट सेक्शन में जो 40-50 साल की टीनेज लड़की आके मुझे बोलने वाली है ना छोटी सोच वाले, तुमने इसका प्रोफाइल देख लिया, ये खुद खुश होकर 4-5 बार रिपोस्ट कर रही है कि हाँ मुझे कहीं से तो क्लाउड मिला। और वैसे ये वाला क्लाउड ज्यादा दिन रहेगा नहीं और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई कपड़े पहने कोई नंगा घूमे, लेकिन जब एक चीज को गलत ठहराया जाए तो दूसरी चीज को डिफेंड नहीं किया जाता, ये मेरा पॉइंट है। एंड बाकी तुम लोग कमेंट में जरूर बताना तुम्हारा इस मैटर पे क्या ओपिनियन है। और यार आज का वीडियो अगर पसंद आए तो तुम 2-4 वीडियो पुराने वाले भी जाके देख लेना, वो वाले रोस्ट वीडियोस होते हैं, सीरियस वीडियो कभी कभार डालता हूँ। बाय।